हेलो, कैसे हैं? स्वागत है लास्ट क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस का ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने आपको कर्व ट्रेसिंग की कुछ इम्पोर्टेंट रूलिंग बताई थी। उसमें हमने आपको सिमेट्रिक के बारे में बताया था, कर्व हमारा कौन से एक्सिस पर बनता है। दूसरा, ओरिजिन के बारे में बताया था, कब हमारा कर्व ओरिजिन से थ्रो होता है, कब ओरिजिन से थ्रो नहीं होता है। आज बात करेंगे थर्ड रूलिंग की। रूलिंग थर्ड है हमारी, थर्ड रूलिंग की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखो, यू गेटिंग टू जीरो, यू गेटिंग टू जीरो, टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म ओनली इन गिवन कर्व, ठीक है। यू गेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म इन ओनली इन द गिवन कर्व, ठीक है, या गिवन इक्वेशन। ओके, कोई इक्वेशन दिया होगा, हम उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के बराबर लिख लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू, ये फोर डिग्री है, ये टू डिग्री है, तो इसका लोएस्ट डिग्री यही तो है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इसका टेंजेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगली रूलिंग बात करते हैं हम, किसकी? पॉइंट की। फाइंड द पॉइंट, हमारा जो कर्व बनेगा वो कहां कहां इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले, इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, then find value of y, ठीक है, we get required point, तो हमें required point मिलेंगे। और if y equals to zero in given equation we find, then फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वी गेट रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। ये रूलिंग हो गई हमारे पॉइंट फाइंड करने की। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, जैसे एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं इसका, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें इफ यर एक्स बराबर जीरो देन बाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? जीरो, तो बाई इक्वल्स टू जीरो, पॉइंट तो माने क्या हुआ? द पॉइंट जीरो कोमा जीरो। अब इफ बाई इक्वल्स टू जीरो देन एक्स इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू एक जीरो मिलेगा और एक एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए मिलेगा। तो पॉइंट जीरो कोमा जीरो और प्लस माइनस ए कोमा जीरो, ठीक है। ऐसे करके हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे तुम्हारे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अगली बात देखते हैं,
अब देखो पॉइंट हो गए तुम्हारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब बात करते हैं एसएम कोड की, इसकी एसएम कोड की, एसएम कोड, एसएम कोड, एसएम कोड। अगला नंबर हो गया ये फोर्थ फिफ्थ। अब पहली बात एसएम कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसएम कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू गेटिंग टू जीरो, यू गेटिंग टू जीरो डी highest degree equating to zero the coefficient of highest degree term of x, term of x in given equation। ठीक है, अब asymptote parallel to y axis, asymptote parallel to y axis, तो इसमें यू गेटिंग टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इन गिवन इक्वेशन, वी गेट रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, तो हमें रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट फाइंड हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, वह एसिम्प्टोट देख लेते हैं, ठीक है, एसिम्प्टोट तुम्हारे देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशियंट देखो ये है एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो, तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई के हाईएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के बराबर लिख दें, तो वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म ये बनना है एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, दिस इज रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट। ठीक है, ऐसे करके हम एसिम्प्टोट फाइंड कर लेते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में, इसको इरेज करते हैं भाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो एक और पॉइंट बचता है, रीजन सिक्स नंबर, रीजन फाइंड करते हैं हम सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, सॉल्व बाई फ्रॉम बाई फ्रॉम फर्स्ट, तो बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसको सॉल्व बाई फॉर एक्स इन टर्म में,
तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव रीजन हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हमें जैसी भी मिलेगी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये रूलिंग आपकी सब समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेस दी कर्व, ट्रेस दी कर्व, ट्रेस दी कर्व कितना दिया है, बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ट्रेस द कर्व ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां से इसका एरिया भी पूछा जाता है, जैसा कर्व बनता है उसका एरिया पूछा जाता है, और इस टाइप का जो कर्व होता है उसमें नंबर ऑफ लूप भी पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसको अब पहले हम ट्रेस करेंगे, ट्रेस नहीं आएगा तो आप एरिया भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले रूलिंग फर्स्ट आंसर लिख रहा है इसका, ठीक है, एक एक करके। नंबर फर्स्ट सबसे पहले इसकी सिमेट्री चेक आउट करें आप, देखो बाई की पावर बाई एक जगह पे है, बाई की पावर इवन है और एक्स की भी पावर इवन है। तो यहां लिख दें हम इफ द बी आल पावर ऑफ आल पावर ऑफ एक्स एंड बाई आर इवन देन देन द कर्व दी कर्व इज सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस बोथ। पहली बात यह हो गई कि ये कर्व जो भी बनेगा वो दोनों एक्सिस पर बनेगा। दूसरी बात, जो दूसरा रूलिंग हमने लिखवाया था वो ओरिजिन से थ्रो होगा कि नहीं होगा, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा तुम्हारा, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, तो जीरो जीरो पॉइंट मिल रहे हैं हमारे। तो द कर्व पासस पासस थ्रो पासस थ्रो दी ओरिजिन, जो कर्व बनेगा वो ओरिजिन से आपका थ्रो होगा, ठीक है। तीसरी रूलिंग हमने जो बताई थी, यूकेशन ऑफ टेंजेंट, यूकेशन ऑफ टेंजेंट, केवल टेंजेंट भी पूछता है तो क्या होता है, यूकेटिंग यूकेटिंग टू जीरो टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री डिग्री टर्म ओनली, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के बराबर लिखेंगे। तो देखो ये टू डिग्री में है, ये टू डिग्री में है और ये फोर डिग्री में है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म तुम्हारा आया ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया बाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये हमारा टेंजेंट मिल गया हमें, यूकेशन ऑफ टेंजेंट। फोर्थ रूलिंग हमने बताई थी पॉइंट की, इफ यद एक्स इक्वल टू जीरो इन फर्स्ट देन y इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो, तो द पॉइंट जीरो कोमा जीरो, इफ y इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू y इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू एक जीरो मिला और एक x इक्वल टू प्लस माइनस a मिला, तो पॉइंट पॉइंट क्या मिले, जीरो कोमा जीरो
और a कोमा जीरो माइनस a कोमा जीरो, ये थ्री पॉइंट मिल गए आपको, ठीक है। अब बात करेंगे हम एसिम्प्टोट की, एसिम्प्टोट देखते हैं। एसिम्प्टोट फिफ्थ नंबर, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशियंट को जीरो रखो, तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशियंट माइनस वन, नो एसिम्प्टोट, नो एसिम्प्टोट। अब एसिम्प्टोट पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट क्या होगा तुम्हारा, बाई के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशियंट को, तो ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, नो एसिम्प्टोट, ठीक है, एसिम्प्टोट मिला नहीं, ठीक है। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स होता है हमारा, सिक्स नंबर हम यहां लिख दे रहे हैं, सिक्स नंबर सॉल्व फर्स्ट बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बाई इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेचिस बाई इक्वल टू पॉजिटिव कब रहेगा, इफ ए इज ग्रेटर एक्स, बाई इज नेगेटिव इफ ए इज लेस एक्स, एक्स का मान एक से कम, एक्स से कम होगा तो ये नेगेटिव होगा। ये रूलिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है, कैसा बनेगा ये आपका, ठीक है। देखें ये होता है हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेंट होता है, ये x होता है, ये माइनस x होता है, ये y होता है, ये माइनस y होता है। सबसे पहले ऑल पावर इवन है x और y की, तो कर्व हमारा दोनों एक्सिस पर बनेगा हमारा, ठीक है। दूसरी बात, तो ये ओरिजिन से थ्रू हो रहा है हमारा, टेंजेंट y इक्वल टू x और y इक्वल टू, y इक्वल टू x ये होता है और y इक्वल टू माइनस x ये होता है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x, टेंजेंट हो गए हमारे, पॉइंट मिले हैं जीरो जीरो, ये यही होगा जीरो और जीरो, और a कोमा जीरो कंसीडर कर लें थोड़ी यूनिट, a कोमा जीरो माइनस a कोमा जीरो अपोजिट डायरेक्शन में, इतना ही। और एसिम्प्टोट हमें मिले नहीं है, पॉजिटिव रीजन, ए पॉजिटिव है, एक्स छोटा होगा तब पॉजिटिव रहेगा, तो जो भी कर्व बनेगा हमारा इन टेंजेंट से होता हुआ इन बिंदुओं पर आएगा, इसके संपर्क में ओरिजिन पर, और इधर भी वही स्थित बनेगी आपकी, ये आपका ट्रेसिंग कंफर्म हो गया, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ लूप आपके कितने बने, नंबर ऑफ लूप टू बने, और ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, दो टेंजेंट हमारे बनते हैं y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बीएससी में कई कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको यदि रूलिंग पता है तो क्वेश्चन करने में आपको कतई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पीजीटी पीजीटी में। अब यदि आपको इसका एरिया निकालना है तो जीरो से ए लिमिट भर दो और फोर का मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया में इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसकी रूलिंग को आप अच्छे से कर लें, उसके बाद अगले वीडियो में और क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से बात करें, चैनल पर रेगुलर रहें, ओके बाय।